माय वाईटी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से ही। यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने इन लोगों को सबको करा दिया है और हस्बैंड फ्रेश होने गए हैं, तो मैं उनके क्लोथ्स जो हैं वो आयरन करके मैं हैंग कर दूँगी, यहीं से वो अपने क्लोथ्स निकाल लेंगी। और मैंने यहाँ पर सुबह ही मशीन लगा दी थी, कुछ कवर्स थे, चेयर कवर, सोफ़ा कवर, ये सारी जो है मैं हफ्ते 15 दिन में एक बार वॉश ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो घर है वो ओपन साइडेड है, तो बंद घर में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, बट काफ़ी खुला हुआ घर है तो धूल मिट्टी ये बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। डेली रूटीन में ही शामिल मैंने कर रखी है क्लीनिंग, हाथ के हाथ में साफ़ सफ़ाई भी करती जाती हूँ, और ज़्यादा अगर दिन हो जाते हैं साफ़ सफ़ाई नहीं हो पाती है, बाई चांस कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी दिल भी नहीं होता है हम, तो मुझे क्लीनिंग करने में बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन में ही मैं अपनी क्लीनिंग और ये सब चीज़ें हैं हाथ के हाथ सब साफ़ सफ़ाई करती चली जाऊँ, जिससे मुझे कोई काम इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और यहाँ जैसे मैंने ये पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो जैसे मैंने पराठा पलटा, पता नहीं ध्यान मेरा कहाँ था, हाथ मेरा जल गया था, क्योंकि जो घी मैंने लगाया था पराठे में तो वो पराठा पलटने के साथ ही मेरे हाथ पर आया। पता नहीं क्या होता है, मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही जलते हैं। मेरी अम्मी भी मुझसे कहती हैं कि इसके हाथ पता नहीं कितने जलते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मैं तो किचन में आती हूँ तो थोड़ा बहुत, पहले भी शादी से पहले भी मेरे हाथ ज़्यादा ही जला करते थे किचन में, और अब भी कोई काम करती हूँ, एक्चुअली मेरी आदत है जल्दी जल्दी फटाफट काम करने की, तो काम करने की धुन में मुझे ध्यान नहीं रहता है गर्म ठंडा कुछ, पता नहीं हाथ कुछ ज़्यादा ही मेरे जलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पर घी डाल दिया है और सब्ज़ी थी, रात मैंने साग आलू बनाया था तो रात की ही बची हुई है सब्ज़ी, और ये हम पराठों के साथ खाएंगे। तो रात में अगर सब्ज़ी बच जाती है तो वेस्ट करने से अच्छा है मैं सुबह ब्रेकफास्ट में लोगों को दे देती हूँ सब्ज़ी, तो उधर भूख लगी थी इन लोगों को, तो यहाँ मैंने फ्रूट काट के दे दिए थे, बेटी को भूख लगी थी तो फ्रूट काट के मैंने उसे दे दिया था, और मैंने थोड़ा बहुत जब तक पराठे बना लिए जल्दी जल्दी। और यहाँ पर ये देखें बच्चे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं और हस्बैंड भी, आज बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड भी आ गए थे, तो इनको सबको मैं साथ में ही नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता क्या, लंच ही है, नाश्ते में तो हम सुबह चाय और अंडा ब्रेड ये सब चीज़ें लेते हैं, और लंच में अगर सब्ज़ी बची हुई होती है रात की सूखी सब्ज़ी तो मैं पराठे बना लेती हूँ। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, एक्चुअली पराठों के साथ मुझे चाय अच्छी लगती है, हस्बैंड तो पराठे और सब्ज़ी ये सब खाते हैं, मैं मुझे चाय भी चाहिए होती है सब्ज़ी पराठे के साथ, चाय साथ में मैं पीती हूँ, मेरी आदत है स्टार्टिंग से ही और शादी से पहले से ही आदत है। अम्मी के यहाँ भी मैं नाश्ता किया करती थी तो सब्ज़ी पराठे के साथ मुझे चाय चाहिए होती थी। तो खैर, ये है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर मैं आ गई थी जल्दी जल्दी इवनिंग में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है मैं जल्दी डिनर प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ कीमा प्याज मेथी की तैयारी हो रही है, प्याज मैंने कट करके रख दी है और हरी मिर्ची भी। बनाने जा रहे हैं कीमा प्याज और मेथी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है कीमे को, और 5 से 6 गांठे मीडियम प्याज के लिए हैं, मीडियम साइज़ प्याज है, अगर बड़ी प्याज हो तो 4 से 5 ले सकते हैं आप लोग। और फाइनली चॉप कर दी है, चॉप नहीं स्लाइस में कट की है इसे, और मिर्चें ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें ले सकते हैं क्योंकि इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूटीन के मसाले भी मैंने रखे हुए हैं, तो कुक करने के टाइम मैं मसाले बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेथी ली है मैंने, ये देखें इस तरीके से, ये मेथी मैंने सुखा के रख ली थी, जब इसका सीज़न का टाइम होता है मेथी का, जाड़ों में सीज़न का टाइम होता है, तो मेथी को मैं धोकर सुखा कर साफ़ करके रख लेती हूँ, और ऑफ सीज़न में अगर मेथी की ज़रूरत पड़ती है तो इसी तरीके से मेथी यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेथी भी जाएगी है, कीमा प्याज मेथी की, तो इसमें थोड़े से आलू भी डालूँगी मैं, बच्चे आलू मांगते हैं तो 2 आलू कट करके डालूँगी इसमें। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो फ्रेंड, कीमा प्याज मेथी बनाने के लिए यहाँ मैं कुकर में बनाऊंगी, और कुकर में मैंने ले लिया है ऑयल, यहाँ सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जब ऑयल गर्म हो गया
तो फिर मैंने जो प्याज स्लाइस में कट करके रखी हुई थी वो डाल दी है। साथ में ही मैंने हरी मिर्चें जो कट करके रखी थी, 4-5 हरी मिर्चें, वो भी मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्की सी सॉफ्ट रखेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो प्याज जब हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई तो फिर जो कीमा मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रखा था, कीमा भी डाल देंगे हम साथ ही में इसमें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तब तक हमें इसे मिक्स करना है कीमे को, और चलाते रहना है जब तक जो है इसका कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच भर के, और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, ये कीमा प्याज मेथी की रेसिपी है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। काफ़ी टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, कीमे का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, वाइट कलर में हल्का हल्का वाइटिश कलर हो गया है। तो अब इसमें रूटीन के मसाले जाएंगे। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ मिर्च ले ली है, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस इसमें डालें, ऐड करें, क्योंकि यहाँ हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं। तो मिर्च, रेड चिली पाउडर थोड़ा कम मैंने डाला है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस यही मसाले जाएंगे जो हर सब्ज़ी में मसाले पड़ते हैं, रूटीन के मसाले। तो अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके, और मैंने इसमें कीमे को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उतना ही पानी डालें जितने में कीमा गल जाए। अब इसमें लीड लगाकर 3 से 4 सीटियाँ ले लेंगे, अब तक कीमा जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, कीमा भी अच्छी तरीके से गल चुका है, बट इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसे, इसका जो लीड है उसे खोल कर ही हम इसे पका लेंगे, और इसका पानी सूखने तक हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर कर दें। यहाँ देखिए, कीमा भी अच्छी तरीके से भुन गया है, मसाला कीमे का अच्छी तरीके से भुन गया है। तो मैंने जो कसूरी मेथी आपको दिखाई थी, थोड़ा सा तवे पर रोस्ट करके अब मैं इसे क्रश करके इसमें कीमे में इसी पॉइंट पर यहाँ पर डालूंगी। तो यहाँ देखिए, कीमे के भुनने के साथ ही कसूरी मेथी यहाँ डाली जाती है। तवे पर रोस्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बरसात का टाइम है, नमी ज़्यादा रहती है, तो ये कसूरी मेथी भी एकदम से नम हो गई थी और मुलायम सी पड़ गई थी। तो इसमें जो है इसे रोस्ट करके ही यूज़ किया जाता है इसमें रेनी सीज़न में। तो यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए हैं जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आप ग्रेवी दे दी है, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी पसंद है, आपके यहाँ जैसी ग्रेवी खाई जाती है उस हिसाब से। वैसे इसमें ग्रेवी कम दी जाती है, और कम ग्रेवी की ही कीमा मेथी आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर मैंने लिड लगा दिया था आलू गलने तक, क्योंकि कीमा तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ ही था। तो यहाँ ये देखें, कीमा मेथी आलू बन के है तैयार, और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के आप इसे सर्व करें। तो कीमा मेथी आलू की सब्ज़ी जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी और बहुत ही लजीज थी, बहुत ही जायकेदार बनी थी। तो मेरी रेसिपी से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करने का। तो मैं अपनी वीडियो का एंड बस यहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।